चलिए मैच की शुरुआत करनी है। लक्ष्य है 32 रन। एमसीसी बी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अपनी सहयोगी टीम शेंडोबा स्पोर्ट्स को आमंत्रित किया है यहां पर बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद पर और ये हाथों से कैच, छटका और छोटा, पहली गेंद पर जीवनदान जरूर मिलता हुआ। गणेश पाटिल और जयवंत मनेरा इस वक्त विकेटों के बीच में नजर आते हुए। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक। गेंद शॉट मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड की गई, शॉट वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड की गई। एक रन जरूर मिलता हुआ। सिंगल डबल से रनों की रफ्तार को तेज किया है इस वक्त बल्लेबाजों ने। गणेश और जयवंत इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती हुई। इसी बीच ये गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से ड्राइव किया लेकिन शाम वहां पर मौजूद थे, इनको फील किया। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। रमाकांत गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो सिंगल रनों से शुरुआत की है दोनों ही बल्लेबाजों ने। चतुराई भरे बल्लेबाजी, हर गेंद पर रनों के लिए परफॉर्मेंस करते हुए हर गेंद पर रन लेने की कोशिश जारी। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन सेफ लैंडिंग करती हुई गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए 4 रन। बिल्कुल सिंगल डबल से यहां पर शुरुआत करने की कोशिश की गई, सिंगल सिंगल लेकर इंतजार किया, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली, ओवर पिच गेंद पर प्रहार किया और प्रहार के रूप में 4 रन इनके अकाउंट में जाते हुए, खाते में जाते हुए और स्कोर छलांग लगाता हुआ 7 रन। जीत के लिए 32 रनों का पीछा करती हुई ये टीम। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, गेंद को जब तक के फील्ड किया जाता एक रन जरूर मिलता हुआ। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 8 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, पावर प्ले का बंधन जारी है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर तैनात किए गए हैं, एक खिलाड़ी मिड विकेट तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इस बार खराब फील्डिंग, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 रन तोड़कर पूरे किए। 2 रन के साथ साथ यहां पर ओवर की समाप्ति होती हुई और लगभग एक ओवर की समाप्ति के बाद 32 रनों का पीछा करती हुई कुणाल, बिल्कुल वाटबिल की टीम इस वक्त नजर आ रही है 10 रनों पर बिना कोई विकेट गवाए। 10 रन हो चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत मिली है। अब 24 गेंदे और जीत के लिए 22 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 22 रन। दिलीप अपनी टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर सज्ज होते हुए सामना करने के लिए तैयार है। गणेश पहली गेंद तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं, नियंत्रण खोते हुए नजर आए और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर बैठे और अंपायर ने इस गेंद को वाइड घोषित किया और वाइड के साथ साथ एक रन जरूर मिलता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। दूसरा ओवर जारी है। दिलीप फिर से एक बार सज्ज होते हुए 8 से 10 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, राइट अप ओवर द विकेट। इसी बीच ये गेंद बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद को जब तक के फील करते फॉलर थ्रो में, तो एक रन मुकम्मल किया, एक रन पूरा किया और एक रन से ही अपने आप को शांत और संतुष्ट किया। स्कोर 12 रनों पर इस वक्त दर्शाता हुआ। जीत के लिए 20 रनों की और जरूरत। इस मैच में अगर वापसी करनी है तो विकेट लेनी होगी या तो फिर गेंदें डॉट करानी होगी ओला स्पोर्ट्स की टीम को। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई,
अगर थोड़ी सी कोशिश करते थोड़ा भाग कर गेंद को फील करने का प्रयास करते तो शायद एक विकेट इनके हिस्से में आ सकती थी, लेकिन चलिए एक रन जरूर चुराने में कामयाब रहे बल्लेबाज। एक रन के साथ इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। जीत के लिए अभी भी 19 रनों की और दरकार है, 19 रनों की और जरूरत है। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया विशाल भोयर। इससे पहले खराब फील्डिंग की थी लेकिन एक अच्छी वापसी, उस चोट को भूलकर अच्छी वापसी करना, ये संकेत उन्होंने जरूर दिया और अच्छी वापसी के साथ साथ अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करना चाह रहे थे लेकिन रेंज में नहीं गेंद आई। अगर बैट और बॉल की मुलाकात होती तो शायद एक बड़ा स्ट्रोक जरूर देखने मिलता, लेकिन गेंद इस वक्त रही टॉप के रूप में। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार दिलीप तैयार, इस बार बड़ा हिट, गेंद हवा में और ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ। ओ क्या बात है, खूबसूरत फील्डिंग, क्या बात है, बेहतरीन फील्डिंग। अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को बाउंड्री लाइन की हलक से निकाल लिया, यही कहा जाएगा, बेहतरीन फील्डिंग की। और अंतिम और आखिरी गेंद इस वक्त दिलीप की आना बाकी है। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 16 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आता हुआ, सामना करने के लिए तैयार जयवंत। इसी बीच ये गेंद, इस बार बिग 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 हिट करने का प्रयास था लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खूबसूरत कैच, विकेट का बदम होता हुआ पहला झटका वाकबिल 40 प्लस की टीम को लगता हुआ। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 16 रन, 18 गेंदे और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत, यानी आधी मंजिल पार हो चुकी है और आधी मंजिल अभी भी बाकी है। खुद कप्तान अब गणेश मनेरा विकेटों के बीच में जाते हुए, दो गणेश इस वक्त विकेटों के बीच में है, गणेश पाटिल और गणेश मनेरा। गणेश मनेरा की अगर बात करें इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, 40 प्लस हो या फिर ओन टीम क्रिकेट हो या ठाणा क्रिकेट हो, ये तीनों ही फॉर्मेट में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपनी टीम को हर जगह पर जीत हासिल कराने की कोशिश में कामयाब नजर आए हैं। इस वक्त देखना है 40 प्लस की टीम में किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इस टीम के ये खुद कप्तान है। मिलिंद गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए सामना करने के लिए तैयार होते हुए गणेश मनेरा, एक विस्फोटक बल्लेबाज, बिग हिट लगाने वाले खिलाड़ी, बड़े हिट के साथ आगाज करते हैं। इसी बीच ये गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा हिट करने का प्रयास कर रहे थे, एक रन तेजी के साथ पूरा किया, करा फील्डिंग का प्रदर्शन, दो रन दौड़कर पूरे किए, तीसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर तीन रन दौड़कर पूरे किए, खराब फील्डिंग, काफी खराब फील्डिंग रही। रमाकांत की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से काफी खराब फील्डिंग का प्रदर्शन रहा है उनका, गेंदबाजी अच्छी की, जीरो पे पहले तो आउट हुए, खराब फील्डिंग की, उसके बाद ओवर की अगर बात करें तो 10 रन खर्च किए अपनी ओवर में, यानी आज का दिन इनकी राशि में शनि प्रवेश करता हो। इसी बीच ये गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा नो बॉल और साथ ही साथ फ्री हिट होगा क्योंकि हर नो गेंद पर फ्री हिट जाहिर किया गया है इंटरनेशनल नियम के अनुसार, आप नो गेंद करते हैं तो फ्री हिट आपको जरूर मिलेगा।
इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, एक और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन। आपने गेट ऑफ इंडिया तो जरूर देखा होगा, दोनों ही पैरों के बीच में से गेंद उसी तरीके से गेट ऑफ इंडिया के बीच में से जिस तरीके से निकल जाते हैं लोग, उस तरीके से गेंद निकलती हुई और यहाँ पर दो रन मिलते हुए, क्योंकि आपने टारगेट एक बड़ा सेट नहीं किया। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज है, इस बार बैकफुट पर जाकर एक और बड़ा हिट करने का प्रयास, गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की ओर, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो 23 रन, जीत के लिए 8 रनों की और दरकार, वाकबिल है 11 की टीम, स्कोर इक्वल करने के लिए 8 रन और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गणेश मनेरा बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन यहां पर एक रन से ही अपने आप को शांत करते हुए, ललचाती हुई गेंद जरूर की थी, वेट एंड वॉच कर रहे थे गणेश मनेरा लेकिन सही तरीके का स्ट्रोक नहीं जड़ पाए, नहीं तो काफी लंबा हिट देखने जरूर मिलता। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गेंद डॉट के रूप में रही, एक गेंद अभी भी आना शेष है क्योंकि एक बॉल नो के रूप में गिरी थी, इसलिए एक गेंद अभी भी आना बाकी। और स्कोर की अगर बात करें, माननीय श्री जयवंत शिंदे सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपको आना है, गणेश जी राउत सर आपको भी स्टेज की शोभा बढ़ानी है, बड्डे ट्रॉफी सुशांत मुकदम साहब की ओर से रखी गई है उसमें आपका हार्दिक स्वागत, प्लीज आइए सर, वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाएं, वेलकम सुस्वागतम। ओवर की समाप्ति होती हुई, लगभग 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर नजर आता हुआ 25 रन। बारह गेंदे और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत। MCCB टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लिया है आप लोगों ने, मैच की समाप्ति होने के बाद ताबड़तोब आपको ग्राउंड का ताबा लेना है, ये चीज ध्यान में रखें। MCCB कैप्टन, 4 ओवर का ये मुकाबला होगा जिसमें 1 ओवर पावर प्ले होगा, 2 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर तैनात करने हैं, ये चीज ध्यान में रखें। समय दिया जाएगा 20 मिनट एक इनिंग की समाप्ति के लिए। विशाल जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की उन्हें भेजा गया है गेंदबाजी पर, उनके हाथों में गेंद सौंपाई गई है। इस बीच ये गेंद, इस बार ये बढ़िया गेंद थी, एक रन की चाहत जरूर जताई है, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, गेंद शरीर से जा टकराई थी तो जरूर लेग बाइस के रूप में एक रन मिलेगा। अब इस वक्त रन कहां से भी आए, सर से आए, हाथ से आए, पैर से आए, रनों की कीमत है, रनों की अहमियत है ये जानते हैं बल्लेबाज, इसलिए हर गेंद पर रन लेने की चाहत उनकी उभर कर आती हुई। फिर से एक बार विशाल सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, पहली गेंद पर एक रन खर्च किया, गणेश मनेरा सामना करने के लिए तैयार। लो फुट टॉस गेंद थी, गेंद को दिशा दी, कलाइयों का अच्छा उपयोग किया, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 2 रनों की दौड़ लगाना चाह रहे हैं और 2 रन यहां पर मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ साथ आहिस्ते आहिस्ते जीत की तरफ कदम बढ़ाती हुई वाकबिल 40+ की टीम, 4 रनों की दरकार है। अब देखना यह है क्या गणेश मनेरा जो कि इस टीम के कप्तान हैं, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने हमें वर्ल्ड कप 6 मारकर जिताया था, क्या ये 40+ का मुकाबला बड़ा हिट लगाकर जिताएंगे अपनी टीम को। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास और यहां पर गेंद जरूर आती हुई, 2 रन पूरा करना चाहेंगे और 2 रन जरूर पूरे किए। फिर से एक बार मौका मिला है, क्या बड़ा स्ट्रोक लगाकर मैच की समाप्ति करेंगे, क्योंकि गणेश मनेरा एक ऐसे बल्लेबाज है बड़े हिट के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं और इस इनिंग में अब तक एक भी बड़ा हिट उनका देखने नहीं मिला। इसी बीच ये गेंद, इस बार बड़ा हिट करने का चाहत जरूर जताई और यहां पर हाथों से कैच छटका और छूटा, 2 रन लेना चाहते हैं और इस
दो रन के साथ मैच की समाप्ति। 40 प्लस का ये मैच जीता है वाकबिल 40 प्लस ने। कॉन्ग्रेचुलेशन 40 प्लस वाकबिल एंड हार्ड लक ओएस स्पोर्ट्स 40 प्लस। चलिए एमसीसीबी मैच कौन से बैठेगा।